नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 खत्म हो चुका है, 2025 की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 2025 से पहले भाई साहब एक खेल हो गया। 2025 से पहले आईपीएल की टीमें एक नियम से नाराज हैं। आईपीएल की टीमों का कहना है कि भैया हम तो परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर बीसीसीआई इस नियम को नहीं बदलेगा। ये आईपीएल की टीमों ने मांग करी है कि ये नियम अब बदलना चाहिए, इस नियम से हम परेशान हैं, इस नियम को अब नहीं रखना चाहिए, ये नियम टीमों को नुकसान पहुंचा रहा है, कई करोड़ रुपए का नुकसान इस नियम के तहत हो जाता है। इस नियम से मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सारी टीमें इस नियम को ख़त्म करने की मांग कर रही हैं। वो नियम है 3+1 का नियम। अब 3+1 का नियम क्या है, क्या होना चाहिए, टीमें क्या मांग कर रही हैं, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चर्चाएं इस बात को लेकर होती रही हैं, इस बात को लेकर लगातार बातें होती हैं कि ये नियम अब ख़त्म होना हो जाना चाहिए। आईपीएल की टीमें जो मेहनत करती हैं 3-4 साल, वो मेहनत सारी पानी फिर जाता है जब ये नियम आता है। अब 3+1 क्या है, दरअसल जब भी कोई मेगा ऑक्शन होता है तो उससे पहले क्या होता है कि सारी टीमों को अपने अपने खिलाड़ियों को रिलीज़ करना पड़ता है, ये आपको पता है। अब जब खिलाड़ी रिलीज़ किए जाते हैं तो केवल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं टीम, 3 तो रख सकती हैं रिटेन के तौर पे और 1 राइट टू कार्ड, ये टीमें कर सकती, तो 4 खिलाड़ियों का प्रावधान अभी तक है कि 4 खिलाड़ियों को टीमें रिटेन कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टीमें फंस जाती हैं, यहाँ पर हर टीम इस नियम से परेशान है, हर टीम का कहना है कि ये नियम बदल देना चाहिए। अब टीमों की क्या मांग है ये भी समझिएगा। दरअसल हर टीम की मांग ये है कि हम जिन खिलाड़ियों को बनाते हैं, जैसे आप केकेआर की बात करिए, केकेआर ने रिंकू सिंह को बनाया, सुयश शर्मा को बनाया, वरुण चक्रवर्ती को बनाया, वेंकटेश अय्यर को बनाया, इस तरीके के तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने बनाया। उसके अलावा हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, इन तमाम खिलाड़ियों को बनाया। अब केकेआर सुनील नरेन और आपके आंद्रे रसल को भी रिटेन करना चाहती है, तो ये तो खिलाड़ी हो गए 7-8। अब सारे खिलाड़ियों को कैसे रिटेन करें, केवल 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, बाकी खिलाड़ियों को अगर केकेआर छोड़ेगी तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो खिलाड़ी दोबारा से केकेआर को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर अब हर टीम ये कहती है कि जिन खिलाड़ियों को हमने बनाया है, उन खिलाड़ियों को जब हम 4-5 साल उनके ऊपर मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको बनाते हैं, तो फिर जब हम उनको छोड़ देते हैं तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि फिर हमें दोबारा से नए खिलाड़ी पर मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और हमें फिर नुकसान होता है, ये टीमों का कहना है। अब टीम ये मांग कर रही है बीसीसीआई से कि 4 खिलाड़ी की जगह 7-8 खिलाड़ियों का ऑप्शन दिया जाए, 7-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन दिया जाए, ताकि पुरानी स्क्वाड में से कम 7-8 खिलाड़ियों को अपने पास रख सके, जिन खिलाड़ियों पर हमने मेहनत की है उन खिलाड़ियों को हम अपने साथ बरकरार रख सके, ये टीमों का कहना है। अब एक लिहाज से देखा जाए तो भाई साहब ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर रिंकू सिंह पर केकेआर ने मेहनत की है और रिंकू सिंह को केकेआर ने रिटेन नहीं किया या रिटेन नहीं कर पाई मजबूरन, तो फिर तो केकेआर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रिंकू सिंह तो केकेआर को दोबारा से मिलेंगे नहीं, पक्का नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती, उसी तरीके के खिलाड़ी, अगर इनको रिटेन नहीं किया गया तो ये खिलाड़ी तो दोबारा से केकेआर को मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत मोटी बोली लगेगी। तो यही केकेआर का कहना, मतलब सारी टीमों का कहना है कि अगर हम किसी खिलाड़ी को बना रहे हैं तो उस खिलाड़ी को रिटेन करने का भी मौका हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए 7-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन देना चाहिए बीसीसीआई, ये टीमों का कहना है। अब जाहिर तौर पर बात तो ठीक है, जिस तरीके की मांग रखी है बात तो ठीक है, लेकिन क्या बीसीसीआई ये मांग एक्सेप्ट करेगी, क्या नियम को बदलेगी, क्या इस तरीके की का कोई नया प्रावधान आएगा कि 7-8 खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, अगर हो जाएंगे तो उसमें फिर नुकसान भी है। नुकसान ये है कि फिर मेगा ऑक्शन उतना दिलचस्प नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो सारे खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो हर कोई देखता है, हर कोई दिलचस्पी लगाता है कि भाई साहब कौन सा खिलाड़ी कितना महंगा जाएगा। अभी अगर सपोज रिंकू सिंह मेगा ऑक्शन में आ गए तो हर कोई ये सोचेगा ना कि भाई साहब देखेंगे हम मेगा ऑक्शन, रिंकू सिंह कितना महंगा बिकेगा, कौन सी टीम खरीदेगी, रोहित शर्मा कितना महंगा बिकेगा, सूर्य कुमार यादव कितना महंगा बिकेगा, कौन सी टीम खरीदेगी, ये हर कोई देखता है। लेकिन अगर 7-8 खिलाड़ी रिटेन हो जाएंगे तो फिर तो कोई मेगा ऑक्शन देखेगा ही नहीं, मेगा ऑक्शन का उतना लॉजिक ही नहीं बचेगा, छोटे छोटे खिलाड़ी सब मेगा ऑक्शन में जाएंगे और उसका कोई मजा नहीं आएगा, तो ये बीसीसीआई का कहना है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि टीमों की बात माननी चाहिए और 7-8 खिलाड़ियों का ऑप्शन देना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि लगातार जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।